हेलो दोस्तों, सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि आप सभी के लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को आप स्किप करके जाते हैं या वीडियो को छोड़ कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में कि बोर्ड की परीक्षा में जो है कितने कितने प्रश्न प्रत्येक विषय में पूछे जाएंगे। और जो आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को अंत में बताने वाले हैं कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो है किस डेट, यानी कि एग्जैक्ट डेट बताने वाले हैं कि किस डेट में आप लोगों का मॉडल पेपर जो है जारी होने वाली है। तो पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले कि प्रत्येक विषय में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे कक्षा 8वीं और कक्षा 9वीं में। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन के राइट साइड में देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ बता जा रहा है कि कक्षा 8वीं में जो है इस बार की बोर्ड की परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक विषय में, और कक्षा 9वीं में जो है प्रत्येक विषय में 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे बताया जा रहा है कि 8वीं व 9वीं कक्षा में एक विषय के 20 व 40 प्रश्न होंगे। यानी कि दोस्तों बता दें कि कक्षा 8वीं में प्रत्येक विषय में 20-20 प्रश्न होंगे और 9वीं कक्षा में प्रत्येक विषय में 40-40 प्रश्न होंगे। और दोस्तों, जैक बोर्ड ने 8वीं व 9वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र सभी विषय का एक एक सेट जारी कर दिया है। और दोस्तों, आप कक्षा 10वीं 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र कब तक जारी होगा, एग्जैक्ट डेट इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8 व 9 की बोर्ड की परीक्षा का मॉडल सेट प्रश्न पत्र गुरुवार को जारी कर दिया है। दोनों कक्षा की परीक्षा में सभी प्रश्न पत्र जो है वैकल्पिक रहेंगे, यानी कि दोस्तों बता दें कि सभी प्रश्न जो है वैकल्पिक रहेंगे कक्षा 8 और कक्षा 9 की। यानी कि दोस्तों, कक्षा 8 और कक्षा 9 की बोर्ड की परीक्षा में सभी प्रश्नों के साथ आप लोगों को चार चार विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें जो सही आंसर होगा उनको आपको चिन्हित करना है। ठीक है, और यहां पर बताया गया है कि कक्षा 9 की परीक्षा में प्रत्येक विषय में 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक का होगा। यानी कि कक्षा 9 की सभी जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न में जो है एक एक अंक का होगा, जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न एक एक अंक करके होंगे। और वही कक्षा 8 में प्रत्येक विषय में जो है 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक विषय का प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होगा। और सभी विषयों का एक एक सेट जो है प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर मॉडल प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। और आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है यह भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए इस वीडियो को देखिए और आसानी से आप अपना डाउनलोड, अपना मॉडल सेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि मॉडल प्रश्न पत्र जो है इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर जो है तैयार किया गया है, यानी कि जो आप लोगों का 40% की कटौती हुई है उनके आधार पर ही आप लोगों का जो है मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया। ठीक है, और दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मॉडल प्रश्न पत्र कब तक जारी होगा। तो देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पे बताया गया है कि मैट्रिक और इंटर का मॉडल प्रश्न पत्र जो है इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आज 25 तारीख हो गया है और 5 दिन आप लोगों का जो है इसी महीने के अंत तक, यानी कि 5 दिन के अंदर ही आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बताया गया है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का मॉडल सेट प्रश्न पत्र दिसंबर माह के अंत तक जारी किया जाएगा। बताया गया है कि प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है, प्रश्न पत्र संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आप लोगों का जो 60% सिलेबस बचा हुआ है उसके आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र में कोई भी चीज नहीं जोड़ा जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रश्न को नहीं जोड़ा जाएगा। जो कटौती किया गया है उनके ही आधार पर जो है आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैक ने जो है आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के पैटर्न में इस बार बदलाव होगा, सिलेबस को छोटा कर दिया गया है और कई चैप्टर को जो है हटा दिया गया है। नए सिलेबस के आधार पर जल्द ही मॉडल प्रश्न पत्र को जो है जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा,
जिस प्रश्न पत्र के आधार पर जो है विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार जो है क्रिसमस के अवकाश के बाद इसे जैक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से स्कूल अधिकतर समय बंद रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। यही कारण है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके, इसे लेकर जो है हाई स्कूल के शिक्षकों की सर्दी की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। तो आप सभी को घबराना नहीं है, मॉडल प्रश्न पत्र आप लोगों का जल्द ही जारी किया जाएगा जैक बोर्ड की तरफ से। अवकाश के बाद यानी कि आज के बाद जो है आप लोगों का 26, 27, 28 के किसी भी दिन आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो सकता है। इसलिए दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी होती है आपको सबसे पहले अपडेट दे दिया जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से, और यह भी बता दिया जाएगा कि आप लोगों को कैसे डाउनलोड इसको करना है। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।